आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। स्वामी ज्ञानानंद जी सचमुच में गीता मर वाक्य है। अभी जो कुछ उन्होंने कहा है हम सब लोगों के सामने, वो सचमुच में आशीर्वाद ही है। वो इस गोष्ठी पर बोले नहीं है, उन्होंने तो हम सबको आशीर्वाद ही दिया है। और उनकी उपस्थिति मुझे लगता है इतना ही पर्याप्त है। वो तो एक संस्कारों के सही मायने में प्रतीक है। और पिछली वर्ष जब मुझे याद आ रहा है कि उनके साथ एक मंच साझा किया था गीता महोत्सव में, तो उसका साथ जो है वो मैंने भी जो ग्रहण किया वो ये थी किया कि हर मनुष्य प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण द्वंद्वों से सामना करता रहता है। उसको सही मायने में उसको जैसे कि समझ उसकी पीछे हो जाती है और द्वंद्व उसके आगे आ जाते हैं। तो स्वामी जी ने एक बात कही थी कि गीता का एक जो सार है, भगवान कृष्ण ने कहा था कि कर्मणे बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात अपना कर्म करते रहो बल्कि इच्छा के बिना। तो मुझे लगता है वो द्वंद जो है बहुत कुछ आपका समाप्त होता जाएगा। देवी और सज्जनों, को मुझे बताया गया कि अब तक 11 वर्षों में इस संस्था से जुड़ने वाले 48 विद्यार्थी IIT और 105 विद्यार्थी NIT में प्रवेश के लिए चुने गए। अनेक विद्यार्थियों ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त किया। बहुत से छात्र छात्राओं ने नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ओलंपियाड में सफलता पाई। इसके अलावा बैंकों के प्रोबेशनरी ऑफिसर तथा सेना के शॉर्ट सर्किट कमीशन की परीक्षाओं में भी इस काउंसिल की सहायता से उत्तीर्ण होने वाले युवाओं की काफ़ी संख्या है। इस प्रकार टैलेंट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानने और निखारने के प्रयासों तथा निःशुल्क शिक्षा की सुविधा से अनेक विद्यार्थी लाभान्वित हुए। इन विद्यार्थियों की सफलता से यह सिद्ध होता है कि प्रतिभा हर इंसान में होती है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, सबल हो या निर्बल, स्वस्थ हो या दिव्यांग, गांव का हो या शहर का। जरूरत इस बात की है कि हर इंसान में छिपी हुई प्रतिभा को तलाशने, निखारने और उसे प्रोत्साहित करने के व्यवस्थित प्रयास किए जाए। टैलेंट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा प्रतिभा के विकास के साथ साथ बच्चों को संस्कारों की शिक्षा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। निर्धन एवं कमजोर छात्रों की सहायता के लिए शिक्षा एवं संस्कार केंद्र के प्रकल्प का संचालन करने के लिए मैं काउंसिल की विशेष रूप से सराहना करता हूँ। लेकिन मैंने देखा जब हमने कानपुर की बात की तो तालियां बजी। ये जो दो लोगों का मैंने ना उल्लेख किया है, छोटेलाल कश्यप जी को हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री भी सम्मानित कर चुके हैं। कुछ शिक्षा और संस्कार के क्षेत्र में भी हम जानते हैं कि राज्यपाल महोदय निरंतर योगदान और प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं। कानपुर के लोगों का सौभाग्य है कि उन्हें राज्यपाल महोदय का निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहता है। टैलेंट डेवलपमेंट काउंसिल प्रतिभाओं को विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। मैं इसकी सराहना करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में भी वो अपनी गतिविधियां जारी रखें और उनका विस्तार करेंगे। आप कानपुर नगर और कानपुर देहात तक बस सीमित है, अपना एक लक्ष्य बनाइए कि इस बार हम कानपुर पूरे कमिश्नरी जो है उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे आप उत्तर प्रदेश पर भी अपनी जाएंगे और आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। जिस प्रकार की निस्वार्थ भावना से आप लोग काम कर रहे हैं, केवल ऐसे लोगों को ढूंढने की जरूरत है। संस्कारित शिक्षा पर आज जो गोष्ठी हुई उसमें मैं यहाँ पर आयोजकों और प्रत्येक जिसने भी भाग लिया सभी को बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों की सहायता से हम भविष्य के राष्ट्र निर्माताओं की पीढ़ी तैयार करने में अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद। जय।